हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पतंजलि दंत कांति के इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब ये किस किस चीज़ों से बना है। उसके अलावा हम ये बताएंगे कि क्या आपको पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। उसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि मार्केट में कौन कौन से पतंजलि दंत कांति के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि एक पतंजलि दंत कांति नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक एडवांस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल है और एक एलोवेरा जेल टूथपेस्ट भी अवेलेबल है पतंजलि दंत कांति का। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टूथपेस्ट को आपको कैसे यूज़ करना है जिससे आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि दंत कांति के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। पतंजलि दंत कांति में 13 नेचुरल हर्ब्स हैं जिनको हम आयुर्वेदिक हर्ब्स भी बोलते हैं, जैसे कि नीम, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली स्मॉल, बकुल, विदांग, हल्दी, मजुफल। और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये टोटल 13 आयुर्वेदिक हर्ब इसमें डाले गए हैं। ये सभी आयुर्वेदिक हर्ब हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि अकरकरा एंड बबुल आपके गम्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, कीटाणु से बचाता है। उसके अलावा नीम, टर्मरिक और क्लोव्स जैसे जो आयुर्वेदिक हर्ब हैं वो आपके दांतों में से बैक्टीरिया को निकालता है और बैक्टीरिया से बचाता है। पुदीना और पीपली जैसे आयुर्वेदिक हर्ब आपके गम्स और आपके दांतों को रिफ्रेश करते हैं। और पीलू और मजीफुल जैसे आयुर्वेदिक हर्ब आपके गम्स और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इन सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स के अपने अपने फ़ायदे हैं और इन सभी को मिला के पतंजलि दंत कांति बनाया गया है। ये प्रोडक्ट था पतंजलि दंत कांति नेचुरल। तो अब बात करते हैं कि पतंजलि दंत कांति एडवांस के इंग्रेडिएंट क्या हैं। एडवांस में 26 आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पतंजलि दंत कांति नेचुरल में 13 आयुर्वेदिक हर्ब हैं, तो इसमें डबल यानी कि 26 आयुर्वेदिक हर्ब डाले गए हैं जो आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे, साथ ही साथ कीटाणुओं से भी लड़ेंगे और आपके दांतों की उम्र भी लंबी कर देंगे, और साथ ही साथ आपके दांतों में जो येलोपन आ जाता है वो भी क्लीन कर देंगे और आपके दांत बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। तो दोनों ही जो प्रोडक्ट है पतंजलि के, एक नेचुरल और एक एडवांस, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम सिर्फ इंग्रेडिएंट से उनको जाने तो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। फ़ायदे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब डाले गए हैं, उन सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स के हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके अलावा पतंजलि दंत कांति उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके दांतों में पेन रहता है, जिनके मुंह से स्मेल आती रहती है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। अगर आपके दांतों से खून भी आता है तो भी आप इसको कर सकते हैं, वो खून आने में भी बहुत आराम होएगा और धीरे धीरे वो खून आना भी बंद हो जाएगा। उसके अलावा भी ये जैसे जिंजिवाइटिस जैसी बीमारियों में स्पॉन्जी अगर आपके टीथ हैं, गम्स हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा भी कुछ लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे कि कोल्ड और हॉट जैसे भी कुछ वो खाते हैं, पीते हैं, कुछ ज़्यादा गर्म हो या ज़्यादा ठंडा हो तो उनको पेन होता है, वो सेंसिटिविटी भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है पतंजलि दंत कांति। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा असरदार है। हमारे घर में भी सभी इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसे मेरी मदर है, उनको भी दांतों में पहले पेन रहता था, उनको भी ये प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करने से काफ़ी आराम हुआ है। उसके अलावा जैसे मेरे ही दांतों में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम थी, मैं ज़्यादा कुछ गर्म और ठंडा ले लेता था तो पेन होना शुरू हो जाता था, उसमें भी काफ़ी आराम मिला है मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करने में। मैं दोनों ही प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, पतंजलि दंत कांति नेचुरल्स भी और पतंजलि दंत कांति एडवांस भी, दोनों ही प्रोडक्ट इक्वली बेनिफिशियल हैं। थोड़ा सा टेस्ट में अलग अंतर आपको मिलेगा दोनों ही प्रोडक्ट में, लेकिन
असरदार दोनों ही प्रोडक्ट हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगे। एडवांस में 26 आयुर्वेदिक हर्ब है, तो आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा ही फ़ायदे देगा नुकसान की बजाय। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड कभी नहीं होना चाहिए, या हो तो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। ये सही बात है बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पतंजलि दंत कांति में फ्लोराइड की मात्रा सिर्फ 924 ppm है। ये बहुत ही कम मात्रा है, तो आप अगर बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट भी लाने की सोच रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा बहुत कम है जो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएंगी। उसके अलावा इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाले गए हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट हो आज के टाइम पे प्रिजर्वेटिव तो डालने ही पड़ते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट लंबे समय तक चल सके और लोगों तक पहुंच सके और लोग उसको लंबे समय तक यूज़ कर सके। तो उसमें भी ना घबराइए आप। हाँ, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर कि 7 साल से नीचे बच्चों को ये प्रोडक्ट ना दिया जाए, क्योंकि वो इसे स्वेलो कर सकते हैं और स्वेलो करने से इसके आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसको बच्चों को ना दें, और अगर बच्चों को भी आप टूथपेस्ट करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखें वो इसको अंदर निगल ना जाए। तो ओवरऑल पतंजलि दंत कांति एक बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है। मेरे घर में, मेरे दोस्तों ने, मेरे पड़ोस में, जिन जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है, सभी ने इसके अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और सभी को इस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो एक बार इसको आप यूज़ करके देखें और आप खुद ही बताएं आपको इसको कितना फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा चलिए अब बात करते हैं पतंजलि दंत कांति का प्राइस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके 2-3 प्रोडक्ट आते हैं, तो मैं आपको सभी का प्राइस बताऊंगा। जो पतंजलि दंत कांति का नेचुरल टूथपेस्ट है, उसका प्राइस है 40 rupees ओनली, सिर्फ 40 rupees 100 gram का पैकेट आ जाता है। अगर आप पतंजलि दंत कांति एडवांस टूथपेस्ट लेंगे जिसमें 26 आयुर्वेदिक हर्ब है, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। उसका प्राइस है 90 rupees 100 gram के पैकेट के लिए। और अगर आप पतंजलि दंत कांति एलोवेरा जेल टूथपेस्ट लेते हैं तो उसका प्राइस है 50 rupees 80 gram के पैकेट के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, एडवांस सबसे महंगा प्रोडक्ट है, वो इसीलिए क्योंकि उसमें 26 आयुर्वेदिक हर्ब्स है, और जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ 13 आयुर्वेदिक हर्ब है, लेकिन फ़ायदा दोनों ही बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप नेचुरल्स भी ले आइए, आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो एलोवेरा जेल वाला टूथपेस्ट है, उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स वही हैं जो नेचुरल्स में है, साथ में एक एलोवेरा जेल का फ्लेवर डाल दिया गया है जिन लोगों को इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। उसके अलावा एक दंत कांति का मेडिकेटेड क्रीम भी आता है उन लोगों के लिए जिनको दांतों में दर्द रहता है, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है। टूथपेस्ट के अलावा एक क्रीम भी आता है जो आप सुबह शाम लगा सकते हैं, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट करना कब कब है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक सुबह और एक सोने से पहले रात को दिन में 2 बार आप ब्रश कीजिए पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट से, और कुछ ही समय में आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कितना असरदार है। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।